हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रणकपुर जैन मंदिर, जो कि भारत के राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। और यह मंदिर काफी पुराना है और इसका निर्माण 15वीं सदी में किया गया, यानी कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस मंदिर के बारे में और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। राजस्थान में अनेकों प्रसिद्ध भव्य स्मारक तथा भवन हैं। इनमें माउंट आबू तथा दिलवाड़ा के विख्यात जैन मंदिर भी शामिल हैं। रणकपुर मंदिर उदयपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के जैन मंदिरों में संभवतः इसकी इमारत सबसे भव्य तथा विशाल है। यह परिसर लगभग 40,000 वर्ग फीट में फैला है। करीब 600 वर्ष पूर्व 1446 विक्रम संवत में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 50 वर्षों से अधिक समय तक चला। इसके निर्माण में करीब 99 लाख रुपए का खर्चा आया था। मंदिर में 4 कलात्मक प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के मुख्य गृह में तीर्थंकर आदिनाथ की संगमरमर से बनी 4 विशाल मूर्तियां हैं। करीब 72 इंच ऊंची ये मूर्तियां 4 अलग अलग दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। इसी कारण इसे चतुर्मुख मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर में 76 छोटे गुम्बद नुमा पवित्र स्थान, 4 बड़े प्रार्थना कक्ष तथा 4 बड़े पूजन स्थल हैं। ये मनुष्य को जीवन मृत्यु की 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंदिर के सैकड़ों खंभे इसकी प्रमुख विशेषता हैं। इनकी संख्या करीब 1,444 है। जिस तरफ भी दृष्टि जाती है, छोटे बड़े आकारों के खंभे दिखाई देते हैं, परंतु ये खंभे इस प्रकार बनाए गए हैं कि कहीं से भी देखने पर मुख्य पवित्र स्थल के दर्शन में बाधा नहीं पहुंचती है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1439 में हुआ था। संगमरमर से बने इस खूबसूरत मंदिर में 29 विशाल कमरे हैं, जहां 1444 खंभे लगे हैं। इनकी खासियत यह है कि ये सभी खंभे एक दूसरे से भिन्न हैं। मंदिर के पास के गलियारे में बने मंडपों में सभी 24 तीर्थंकरों की तस्वीरें उकेरी गई हैं। सभी मंडपों में शिखर हैं और शिखर के ऊपर घंटी लगी है। हवा चलने पर इन घंटियों की आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है। मंदिर परिसर में नेमिनाथ और पारसनाथ को समर्पित को 2 मंदिर हैं, जिनकी नक्काशी खजुराहो की याद दिलाती है। 8वीं शताब्दी में बने सूर्य मंदिर की दीवारों पर योद्धाओं और घोड़ों के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर के निर्माताओं ने जहां कलात्मक 2 मंजिला भवन का निर्माण किया है, वहीं भविष्य में किसी संकट का अनुमान लगाते हुए कई तहखाने भी बनाए हैं। इन तहखानों में पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये तहखाने मंदिर के निर्माताओं की निर्माण संबंधी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं। मंदिर के उत्तर में रायन पेड़ स्थित है। इसके अलावा संगमरमर के टुकड़े पर भगवान ऋषभ देव के पद चिन्ह भी हैं। ये भगवान ऋषभ देव तथा शत्रुंजय की शिक्षाओं की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।